नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देश में इस समय जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 की दस्तक हमारे देश में हो चुकी है। हालांकि पहली अगर लहर को छोड़ दें, दूसरी लहर को छोड़ दें, तो तीसरी लहर उतना कोहराम हिंदुस्तान में नहीं मचा पाई जितनी कि अन्य देशों में मचाई। अब इसको भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहें या कोई और व्यवस्था या फिर रोगों के प्रति लड़ने का जज्बा, और वैक्सीनेशन भी हिंदुस्तान में अन्य व्यवस्थाओं या अन्य देशों के तुलना में अधिक हुआ है। और जिसका एक सीधा सरल उदाहरण यह है कि लगभग 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, यानी कि अगर एक व्यक्ति को दो डोज लगती हैं तो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके साथ ही साथ बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, पर बूस्टर डोज का जो अनुपात है वो उतना ज़्यादा नहीं है। यानी बूस्टर डोज के अनुपात की अगर बात करें तो महज 30-35% बूस्टर डोज ही अब तक लग पाई है। खैर, ये तो मुद्दा रहा कोरोना का, और सरकार लगातार सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी लगातार बैठकों का दौर करते जा रहे हैं। आज भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उनकी बैठक थी, और बैठक के माध्यम से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए किस तरह कोरोना से लड़ना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस व्यवस्था के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, मास्क लगवाना है, और जीनोम सिक्वेंसिंग को बढ़ाना है, टेस्टिंग को बढ़ाना है। जो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टी की व्यवस्था थी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, उसी व्यवस्था को यहाँ पर पूरे देश में लागू करते हुए अपने देश के नागरिकों को यहाँ पर कोरोना से बचाना है। खैर, BF7 की जो स्थिति है वो चीन में बड़ी भयावह है, और लगातार वहाँ मौतें हो रही है, और ये बताती है कि जो नया वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि ओमिक्रोन का सब वेरिएंट है, पर इस वेरिएंट की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील में कोहराम मचाता रहा है, और अब भारत की तरफ भी इसकी नज़र आ चुकी है, और नज़र इस तरह है कि 4 मरीज अब तक हमारे देश में निकल चुके हैं। पर इसके अलग एक व्यवस्था और है कि हमारे देश में लगातार राजनीतिक तैयारियां चल रही, चूंकि चुनाव है, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसी चुनाव के चलते राजनीतिक यात्राओं का, सभाओं का, व्यवस्थाओं का दौर जारी है। और इन व्यवस्थाओं के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि 7 सितंबर को शुरू हुई थी, उस यात्रा का भी जो 100 दिन पूरे हो चुके हैं, और वो यात्रा अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रही है। 10 राज्यों में, 2 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा जानी है, 8 राज्य हो चुके हैं, और 9वें राज्य यानी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, पत्र लिख के उन्होंने कहा है, चूँकि कोरोना की स्थिति भारत में खराब हो सकती है, इसलिए कोरोना को देखते हुए यहाँ पर अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये हम डरने वाले नहीं हैं, और केवल हमको बताया जा रहा है हमारी यात्रा से बीजेपी घबरा रही है, इसी कोरोना का डर दिखाकर अब यात्रा पर रोक लगाने की तैयारी है। अब यात्रा पर रोक लगाई जा रही है, अगर यात्रा पर रोक लगाई जा रही है तो केवल कांग्रेस पे क्यों? क्योंकि अगर बात करें इस वेरिएंट की, तो ये चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तमाम देशों में लगातार तबाही मचाता नजर आ रहा है, तो यहाँ पर यात्रा केवल भारत में चल रही है, तो यहाँ पर केवल यात्रा के लिए कोरोना को नहीं लाया जा, कोई कोरोना ऐसा व्यवस्था नहीं है कि इसको चुनावी व्यवस्थाओं में लेकर लाया जाए। खैर, विपक्ष है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पर निश्चित रूप से यात्रा जरूरी है कि जिंदगी, ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और साथ ही साथ कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, झूठ बोलती है। धन्यवाद तुम्हारा। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है, और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे,
और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से, उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है रात में नहीं होता है, आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे, शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है, ये मजाक बना दिए हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है, दो बातें वो समझ जाए, ना डरेंगे ना रुकेंगे, ये दो बातें समझ जाए। राहुल गांधी जी ने इसको पूरे उत्तर प्रदेश में आने से पहले पूरे भारतवर्ष में इस बात को कहा है, और उस बात पर हम अडिग हैं, हम लोग सब उस पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और अगर वो देखना चाहते हैं कि हमें कितना कितना हमें हिम्मत है और कितना हमें हमें विश्वास है, तो हमको देख लें। भाई कोरोना की अगर महामारी की बात करें तो ये पहली बार, ये चौथी लहर है। पहली लहर 27 जनवरी 2020 को पहला केस हिंदुस्तान में आया, उसमें केरल में एक 66 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना की पुष्टि हुई और उसकी बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देश में लॉकडाउन लगाया गया, आंशिक लॉकडाउन रहा, फिर समय अनुसार लॉकडाउन लगाया गया और बाद में स्थिति थोड़ी सी सुधरी। पर जब 21 की शुरुआत हुई, जो लहर आई, उस लहर का कोहरा हम सबने देखा है, कितने परिवार उजड़े हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने परिवार के मुखिया चले गए और न जाने कितने बड़ी बड़ी हस्तियां इस कोरोना के लहर के चपेट में आ गई थी, वो सबको पता है। और शायद इसकी जानकारी किसी को ना हो, सबको जानकारी है। आंकड़ा भले ही कुछ बताता हो पर सच्चाई यही है कि शमशान घाट में भीड़ लगी हुई थी और जगह जगह पर केवल मचा था त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। खैर मैपुर चर्चा विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से संतोष सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से मीसम जैदी भाई अपना पक्ष रखेंगे, अभिनंदन त्यागी कांग्रेस अपना पक्ष रखेंगे और सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। संतोष जी भाई, कोरोना आ गया है और कोरोना के चलते यहाँ पर लगातार गाइडलाइंस की बात कही जा रही है और केंद्र सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की, और उत्तर प्रदेश में भी लगातार योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पे आकर यहाँ पर टीम नाइन के साथ बैठक करके दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं ट्रिपल टी की व्यवस्था के साथ, सारी मजबूती के साथ हम अपने लोगों को बचाएंगे। और पब्लिक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि पब्लिक भी वहां पर सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, जिससे कि इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचा सके। कैसे देखते हैं गौरव जी? देखिए, अभी मैं बयान सुन रहा था कन्हैया जी का, जी सलमान खुर्शीद जी का, जी अभी इनके देखने के हिसाब से तो पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना की वापसी हुई है, फोर्थ वेव आ रहा है जी। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ये कहा है कि भाई ये कहीं 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 ना कहीं कोरोना का और बीजेपी का कनेक्शन है। अच्छा, ये मति भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। अच्छा, अरे भाई किस चीज का डर है हमको? आप कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, निकालिए, जोड़िए भारत को। भारत को जोड़ने का काम आप आज से नहीं 70 साल से करते चले आ रहे हैं और जोड़ा कुछ नहीं आपने। आपके आपके दादा परदादाओं ने क्या किया ये दुनिया को मालूम है। जोड़ते जोड़ते बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, जितने बंटवारे हुए सब आपके समाज में हो गए। आप तब तो जोड़े नहीं, अब चले हो हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले हो। भैया हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, यहाँ आप बांटने की राजनीति मत करो। आरोप हम पे लगाते हो, बांटते स्वयं हो आप। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है गौरव जी, अगर भारत सरकार को कहीं जिम्मेदारी भारत सरकार लेते हुए अगर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को लग रहा है, जैसे चीन के हालात है जी, और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं सबको यह लग रहा है कि फोर्थ वेव की आने की आहट लोगों को नजर आ रही है जी, और बड़ी तेजी से संख्याएं बढ़ रही हैं जी, तो सरकार ने अगर गाइडलाइन जारी कर दिया तो उसको ये भारत जोड़ो यात्रा से इसको जोड़ने जी। शायद संतोष जी का कनेक्शन। हेलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कहीं आपके मन में भय है, डर है कि भाई कोरोना का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आएगा, बीजेपी का कनेक्शन है, ये तमाम सारी बातें, तो आप यात्रा निकालो, पूरी दुनिया में घूम रहे घूमो, लेकिन गाइडलाइन पालन करो ना भैया। अच्छा, गाइडलाइन पालन करिए, जो सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है। अच्छा,
तो उसका पालन करिए आप, सरकार तो यही करिए। सरकार की तरफ से बयान आया क्या, अधिकृत की सरकार राहुल जी आप रोक दो कांग्रेस पार्टी वालों की यात्रा रोक दो, किसी ने कहा? संतोष जी, गाइडलाइन में यात्रा कैसे करेंगे फिर आप, मास्क लगा के गैदरिंग जोड़ के? अगर गैदरिंग हुई आप फिर गाइडलाइन का मतलब क्या है? मुझे ये चीज समझ में नहीं है गौरव जी। अगर अगर हम हमको तो भाई जब आपने कनेक्शन जोड़ दिया कि बीजेपी और कोरोना का कनेक्शन है, अच्छा। तो हम तो कनेक्शन जोड़ दियो भैया, हम तो गाइडलाइन का पालन करेंगे, चाहे उसके लिए हमको गाइडलाइन का पालन करके मास्क लगा करके अलग बैठना पड़े, अच्छा। दो गज की दूरी मेंटेन करना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े, अच्छा। तो वो हम पालन करेंगे। हमारे तो कनेक्शन भी पता दिया ना कांग्रेस के लोगों ने, अच्छा। अगर उनको लगता है कि भारत सरकार जानबूझ के उनके यात्रा को प्रभावित करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास कोई यंत्र बना नहीं है। ये बुद्धिजीवी लोग हैं, 70 साल से राजनीति करने वाले लोग हैं, 70 साल से देश को चलाने वाले ये लोग हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि कब कौन सी यात्रा करनी चाहिए, कब जोड़ना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए। वो जोड़ने तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो बाकी कुछ देश के किसी चीज से इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि राहुल गांधी को यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए कोरोना को देखते हुए? अगर अगर वो बुद्धिजीवी होते, अच्छा। अगर उनको लगता कि नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस समय टिकी हुई है फोर्थ वेव पे जी। चीन के हालात को मद्देनजर देखते हुए समझते हुए जी। तो उनको ये हमको और किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत उनको बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, उनको यात्रा रोक देनी चाहिए, अच्छा। और मुझे एक चीज फर्क समझाइए गौरव साहब, मैं तो यहाँ तमाम हमारे प्रवक्ता महोदय लोग बैठे हैं जी। मुझे एक चीज समझाइए कि हमको किस चीज का डर है उनकी यात्रा से भाई, कौन सा डर है हमको, अच्छा। किस चीज का डर है उनकी यात्रा से? अच्छा, कांग्रेस के कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जब कोरोना पहली बार आया था तो राहुल गांधी ने ही सरकार को चेताया था, जब 2020 की बात है, कहा था कि जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट आदि को बंद कर दे। आप ये बताइए गौरव जी, जब वो कोरोना को मान ही नहीं रहे हैं, अच्छा, कोरोना का बीजेपी से कनेक्शन बता रहे हैं, तो चेताने का मतलब क्या है उनका भाई? वो जो कोरोना को समझ ही नहीं रहे हैं, वो जो मान ही नहीं रहे हैं, वो कन्हैया कुमार जैसे आदमी बयान दे रहा है कि भाई कोरोना का और बीजेपी का कनेक्शन है, तो भाई जब हमको, लेकिन हमारा कनेक्शन है तो हम डर रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारा कनेक्शन है कोरोना से, लेकिन हमको डर है, हमको पूरी दुनिया को संदेश देना है, हम दुनिया के गाइडलाइन का पालन करने वाले हैं, अच्छा। इनको किसी चीज का डर नहीं है, इनको कोरोना से डर नहीं है, कोरोना को ये मानते नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा। देश को बचाए, और ऐसे ऐसे राजनेता जो बयान दे रहे हैं जी, ऐसे राजनेताओं को देश से बचाए, कम से कम गुमराह करने। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इस यात्रा को रोक देना चाहिए फिलहाल? अगर गौरव जी एज ए हिंदुस्तान के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता, अच्छा, होने के नाते राहुल जी को स्वयं आगे आना चाहिए और जो पूरी दुनिया की वैश्विक महामारी की स्थिति है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, अच्छा। और यात्रा को स्वयं स्थगित करना है। उस यात्रा से ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, यात्रा करते रह गए, यात्रा से क्या लाभ हुआ है जरा बताइए गौरव जी, हमको क्या लाभ हो गया यात्रा, अच्छा। से ठीक है। कौन सा रातों रात गुजरात में इनकी सरकार बन गई, अच्छा। कौन सा बहुत बड़ा वेव आ गया कांग्रेस के लिए, लोग सड़कों पे जाल, हिमाचल में तो लाभ हुआ है भाई, क्या हो गया बताइए, हिमाचल में तो लाभ हुआ है, अब किसका लाभ हुआ है पता नहीं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति एक बार सबको मालूम है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने हमसे अच्छी समीक्षा किया होगा हिमाचल की सरकार के बारे में, हिमाचल के लोगों के बारे में जी, वोट ऑफ परसेंटेज के बारे में। हम मेरा ये कहना है कि आप हर चीज को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ते हो भाई? अब ये वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया की नजर है, सारी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं जाकर के इस चीज को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई फोर्थ वेव आने की आहट है, कोई बड़ी दुर्घटना घटना ना घटे, देश के लोग उससे प्रभावित ना हो, सरकार इतने जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है, और फिर भी ऐसी बातें हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को अब समझाने की जरूरत है, भगवान इनको बुद्धि दे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी जी हैं। अभिमन्यु जी, बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिमन्यु भाई आपकी यात्रा निकल रही है, और यात्रा पे यहाँ पर अंकुश लगाने की बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि यात्रा पे अंकुश लगाने की तैयारी है। भाई कोरोना आया है तो उसके लिए भाई जरूरी है गाइडलाइंस फॉलो कराई जाए। तो आपको सलमान खुर्शीद जो आपके नेता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कहा था कि केवल बहाना है, कन्हैया कुमार भी ऐसी बात बोल रहे हैं कि कोरोना दिन में आता रात को चला जाता है, ये क्या दिक्कत है? अगर कोरोना आया है तो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, देश जरूरी है, यात्राएं होती रहेगी जी। गौरव जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी।
देखिए गौरव जी, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, अच्छा, इसकी 3 महीने पहले से लगातार सूचना आ रही है। उसी बीच में राज्यों के चुनाव हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 से 4 दर्जन रैलियां की, अच्छा, हिमाचल में करी, गुजरात में करी, अच्छा। आज के समय में जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं और दिल्ली पहुंचने वाली है, अच्छा, अब दिल्ली का संदेश भारत ही नहीं दुनिया भर में जाएगा जी। इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि उस भय के कारण ये उस माहौल को और गर्माना चाहते हैं। जबकि कोरोना की, अगर कोरोना की लहर आ रही है तो जिन भी देशों में कोरोना बढ़ रहा है जी, तो वहां सिर्फ उन, वहां से जो फ्लाइट आ रही है सिर्फ उनका आरटीपीसीआर टेस्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप वहां से प्रत्येक जो भी फ्लाइट में बैठकर लोग आ रहे हैं उनको आपने क्वारंटाइन किया कि नहीं किया, अच्छा, ये बात बताई जानी चाहिए। जो हवाई अड्डे हैं, जो रेलवे स्टेशन है, जो बस अड्डे हैं, या जो ऐसी पब्लिक प्लेस हैं, जी, वहां पे आपने कितनी गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं, आपने राज्यों की जो सरकारें हैं पूरे देश भर में, अच्छा, उन मुख्यमंत्रियों के साथ, वहां प्रमुख सचिव के साथ कितनी मीटिंग की है, क्या गाइडलाइन है जी, तो वो कहीं कुछ इसके बारे में इन्होंने कहीं कोई चर्चा हुई नहीं है, अच्छा, और ये पूर्ण तौर पर राजनीति से प्रेरित लग रहा है, अच्छा, इनके मन में भय है। आप अगर कोरोना ही लेके आए हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, कोरोना ही लेके आए हैं क्या? क्या कोरोना कांग्रेस लेकर आ रही है? हम भी इनसे पूछना चाहते हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं भाई ऐसा कि क्या लगातार जी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों त्रिपुरा गए थे, अच्छा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी पिछले दिनों गोरखपुर में गए हुए थे जी, अभी कर्नाटक में इनका एक कार्यक्रम था, राजस्थान में इन लोगों ने अभी एक सम्मेलन कराया, रैली कराई है जी। तो हम ये पूछना चाहते हैं जी कि जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उनके क्या आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं ये? अच्छा, उसके लिए कुछ गाइडलाइन है कि नहीं है? अच्छा, या ये सारे नियम कायदे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए है पालन करने के लिए? जी आगे बढ़ा दीजिए जी। जी नियम कायदे मानने की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नियम कायदे को मानती आई है, मानती रहेगी। अच्छा, सरकार एडवाइजरी जारी करे हम उसको मानेंगे, हम उसका पालन करेंगे, पर इसमें अच्छा, राजनीति ना करे। और जो वो संदेश देना चाहती है भाजपा, वो जनता समझ रही। अच्छा संतोष जी, जो नेता है भाजपा के, उन्होंने कहा है, डिबेट में मौजूद है, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बड़ा दल दिखाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस यात्रा को रोके और कहे कि हम भारत के लोगों की जान के लिए सजग है, कोई लापरवाही नहीं होगी, हम यात्रा को स्थगित करते हैं, इस तरह बड़ा दिल दिखाए। मैं अपने जो हमारे साथी हैं संजय जी जी, उनको मैं बताना चाहता हूं, संतोष जी, खुद केंद्र सरकार ने कहा, संतोष जी माफ करें, संतोष जी को जी या पूछना भी चाहता हूं साथ, अच्छा, कि अभी तो केंद्र सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि हमने सिर्फ चिट्ठी लिखी है, बाकी बात से तो पल्ला झाड़ दें। अच्छा, क्या सचमुच में कोरोना का वेरिएंट है आया हुआ है देश में? अच्छा, अगर आया हुआ है तो आप बताएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, अच्छा, बड़ी एमएनसी चल रही है जी, एयरपोर्ट हवाई अड्डे बस अड्डे सब जगह भीड़ बढ़ी हुई है, आ सकता है, 4 केस आ चुके हैं, आ सकता है, आ सकता है और है। अच्छा, उस पे सरकार क्या काम कर रही है, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या एडवाइजरी जारी कर रही है? अच्छा, क्या ताली और थाली बजवाएंगे हम लोगों से? अच्छा भाई, जानना चाहता हूँ बस। अच्छा, थाली बजाएंगे तो हम ताली बजा देते हैं, अच्छा, रास्ते में थाली बजाते हुए चले जाएंगे, थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, पर यात्रा जरूर करेंगे। ठीक है भाई, अभी उन्होंने भाई थाली बजाइए और यात्रा करिए, ठीक है। मिशन भाई, भाई राजनीति तो उत्तर प्रदेश में कहे या देश में लगातार चरम पर, जनता के मुद्दों से किसी का लेना देना नहीं है, ना जनता से लेना देना है। जनता जनार्दन केवल एक ही समय होती है, वो होती है चुनाव में, जब जनता को जनार्दन माना जाता है, उसके बाद जनता बेकार हो जाती है। फिलहाल स्थिति यही चल रही है, जनता से लेना किसी का नहीं है, चाहे वो मरे चाहे जिए, हम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को चालू रखेंगे और आरोप प्रत्यारोप दौर चलते रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस तरह जो व्यवस्थाएं चल रही है और कोरोना की आहट हुई है और एडवाइजरी जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में, इस समय यात्रा जारी रही है या जिंदगी, और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पे क्या करना चाहेंगे? जी मिशन भाई, देखिए गौरव जी, जितनी अहम चर्चा आप कर रहे हैं जी इस कोरोना के मुद्दे के ऊपर जी, और जाहिर सी बात है कि ये एक गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल, और देश प्रदेश जहां जहां भी आपकी आवाज, आपका चैनल देखा जाता है तो लोग इसको सुन रहे होंगे जी, बिल्कुल।
कोरोना को हथियार बना करके किसी को टारगेट करने से अच्छा होगा कि कोरोना के खिलाफ हथियार पैदा किया जाए। क्या बात है, कोरोना को खत्म करने के लिए हथियार बनाया जाए, ना कि कोरोना को हथियार बना करके अपने विरोधियों को विपक्षियों को खत्म करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, अगर कोरोना एक अहम मुद्दा है, नो डाउट जी, हमने देखा लोगों को मरते हुए, लोगों की लाशों को गंगा में प्रवाहित होते हुए, कब्रिस्तान किस तरह से पटे हुए थे, किस तरह से शमशान पटे हुए थे। कोरोना ना धर्म देख रहा था, ना जात देख रहा था, ना छोटा ना बड़ा, ना पार्टी को देख रहा था, ना पार्टी में आपके कद को देख रहा था जी। और वो मनचाहा वार हर तरफ कर रहा था जी। अगर आपकी नियत अच्छी कि कोरोना की वजह से कोई यात्रा रैली और मेला जुल्ला ना हो, जान बचाने की अगर नियत है आपकी जी, तो उसकी भी मंशा हम आप समझ जाएंगे, जनता समझ जाएगी और जनता ने समझा। 2020 में जनता ने ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिया और मजबूती से कोरोना के खिलाफ हमारा ये प्रदेश और देश लड़ा। सरकारें किस तरह विफल हो गई कहने की जरूरत नहीं है, बार बार उन चीजों को दोहराया जाना समय को बर्बाद करने के तमाम जो। बिल्कुल, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं फिर एक बात को हमेशा कहता हूं, वही बात दोहराऊंगा कि आज की डेट में हम राजनीति से ओतप्रोत ना होकर के उससे उठ करके कोई बात करें जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये सुनिश्चित करें कि आपने कोरोना के लिए क्या व्यापक इंतजाम और तैयारियां कर रखी हैं, कितने बेड बना रखे हैं, कितनी आप वैक्सीनेशन दे चुके हैं, कितनी और देना चाहते हैं जी, कितनी आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने आपके पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, डॉक्टरों का, नर्सों का, अगर कोई बात होगी तो किस तरह से आप इमरजेंसी लैंडिंग कोरोना के होने पर किस तरह से आप बचाव करेंगे, इस बात की अहम चर्चा करने के साथ साथ जी, फिर आप दूसरी पार्टियों की यात्राओं पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके नेताओं पर कतई रोक लगाई और हम इसका स्वागत करेंगे। अच्छा, रही बात कांग्रेस की नहीं है, हम अपनी भी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं मुझे लगा इसके लिए उनको बधाई देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। अच्छा, कि वो उनके माननीय नेता के लिए कितना चिंतित है, उनके जीवन के लिए। अच्छा, वो किस तरह से चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर बचेंगे तो भारत जुड़ता रहेगा। अच्छा, लोग आगे आते रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात उनको लगता है कि देश के लिए राहुल गांधी जी को बहुत जरूरत है। अच्छा, कांग्रेस को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत जरूरत है। अच्छा, इस देश को भी जरूरत है। अच्छा, तो इसका इनको स्वागत करना चाहिए। मगर मैं यही आपके साथ चर्चा को बढ़ा करके मैं यही कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि नियत अच्छी रखिएगा, मंजिल आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर कोरोना की आड़ में आप किसी के ऊपर बैन लगाएंगे, अच्छा, तो आपको पता है। मिशन भाई, आपको क्या लग रहा है, आप कोरोना की आड़ लेके बैन लगाया जा रहा है क्या? देखिए ऐसा है जी, मैं इसलिए ये बात नहीं कहना चाहता किसी के ऊपर, मैं कोई पार्टी नहीं बनना चाह रहा हूँ। अच्छा, आज की डेट में मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना देखिए नो डाउट बहुत घातक बीमारी है। अगर जो वेरिएंट है, एक तो कोई ये बता नहीं सकता कि कोरोना की रोकथाम कैसे होती है जी, किसी के पास कोई सही अभी तक आंकड़े नहीं है, ना आपके पास कोई दवा है जी। कुछ डॉक्टर्स इस पर मतभेद है, उनका कंट्रडिक्शन है। मैं भी एक डॉक्टर को सुन रहा था, पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया न मास्क जरूरी है, न दो फीट की दूरी जरूरी है, और अगर कोरोना होना है तो हो जाए। अच्छा, और एक डॉक्टर ने कहा कि कोई मतलब ही नहीं है इस लहर की, ना यहाँ आना है भारत में, ना इस तरह का कोई व्यवस्था होनी। एक डॉक्टर कहता आएगा तो कोई बचेगा नहीं। अच्छा, और मैं ये मानता हूं कि 1% भी अगर आ गया और लोग मरना शुरू हो गए तो जान से कीमती ना कोई पार्टी है और ना कोई विचारधारा है। अगर हमारी जाने ही नहीं बचेगी, हमारे प्रदेशवासियों की, हमारे देशवासियों की जी जान ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर हम ये राजनीति और हम ये जात और परात और ये हम आरक्षण, इस तरह की बातें, हम मुद्दे कहां लेके जाएंगे और किनके बीच लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, तो जान बचाना जरूरी है, नो डाउट। अगर आ गया
बट ये है कि आप भी अपने ऊपर कहते हैं कि पहले कोई भी ऑर्डर करने से पहले आप अपने गरेबान में भी झांक करके अच्छा। देखिए कि आपके नेता कहां कहां नेतागिरी कर रहे हैं। अभी से मैं अभी आप बोले थे राजनीति नहीं कर रहे हैं, अभी आप पूरा पूरा आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने गरेबान में झांकी है, आपने ये भी कहा आड़ में बयान कर रहे हैं, तो या तो सीधे राजनीति हो गई भाई। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, कोरोना बहुत खतरनाक है, आप अपने घर से ना निकलो। और मैं मॉल टहल करके आ रहा हूँ अच्छा। मैं पीवीआर में मूवी देख रहा हूँ अच्छा। जनता के बीच किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं गौरव भाई? ये तो बेईमानी होगी, आपको दिल दुखेगा। अच्छा, दिल दुखेगा। पहले हम घर हमारा दिल दुखेगा भाई, पहले हम उसको अप्लाई करें, फिर हम आपके ऊपर उस चीज का अप्लाई करें, तो ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और कोरोना पर राजनीति ना करके हमें प्रदेशवासियों की जान की, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करना। ठीक है। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, देखिए कोरोना की आहट हुई है और कुछ केस आए हैं, 3 से 4 केस आए हुए हैं गुजरात उड़ीसा में, और लगातार जो स्थिति बाहर देशों में है, चीन में, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्राजील, वो स्थिति अच्छी नहीं है और लगातार लोग संक्रमित हो रहा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। और इस बीच भारत में अगर आहट हुई है और अगर अपने देश में क्योंकि संसाधन की उतनी विकसित व्यवस्था आया नहीं है, तो अगर इस तरह की गाइडलाइंस की बात कही जा रही है, यात्राओं को रोकने का एक आग्रह किया जा रहा है जी, तो कैसे देखते हैं आप? और जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता कह रहा है केवल आड़ लेके यहाँ पर राजनीति की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, बस कुछ नहीं। देखिए गौरव जी जी, मैं कई प्रवक्ताओं पार्टियों में सुन रहा था जी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश में दोबारा कोरोना ना आए जी, क्योंकि जैसे मीसम भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात से पूर्ण रूप सहमत हूं, वो दौर सपने में भी याद आता तो रूह कांप जाती है। बिल्कुल। न कब्रिस्तानों में जगह थी जी, न शमशान घाटों में जगह थी। बिल्कुल। तो मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा कि प्रभु हमारे देश में अब कोरोना जैसी महामारी ना आए, क्योंकि कुछ लोग तो जीवन से सफर कर गए, अब कुछ लोग बचे तो सामाजिक जीवन, भौतिक जीवन सफर कर रहे हैं जी। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति है कहीं न कहीं कोरोना की मार अभी भी झेल रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। तो इस पे आज मैं एक राष्ट्रीय चैनल बैठा था, मैंने वहां भी मांग की प्रधानमंत्री से कि सबसे पहले एडवाइजरी आप जारी कराइए जी। राहुल जी चलिए यात्रा कर रहे हैं उस तरफ नहीं, कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, राहुल जी की यात्रा ज्यादा भीड़ तो बाजारों में इकट्ठा हो रही है। अच्छा। 25 दिसंबर है, देखिए आप अपने लखनऊ में देख लीजिए किस गली कूचे में भीड़ कम है जी। तो अगर यही भीड़ बढ़ती रही तो गौरव जी आपको याद होगा कि कोरोना के पेशेंट पहले 2-4 आए थे जी, और आते आते वो स्थिति आ गई कि लाशों के अंबार लग गए जी। और दुर्भाग्य ये रहा, न बाप बेटे देख पाया, न बेटा बाप देख पाया। इससे ज्यादा दुर्दशा इस देश में किसकी हो सकती है जी। और उस पे अगर कोई राजनीति दल राजनीति करता है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ जी। क्योंकि जैसे मीसम भाई ने कहा कि पब्लिक पहले, जनता नहीं होगी तो हम किस पे शासन करेंगे, देश नहीं होगा तो हम कहां रहेंगे। अच्छा। तो इस पे भाजपा को विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल ध्यान देना चाहिए कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अच्छा। जिससे हम लोग बचे थे। अच्छा। दवाइयों के साथ साथ जो जनता जनार्दन ने अपनी ताकत दिखाई और सरकारी आदेशों का पालन साधुवाद। त्यागी जी को क्या कहेंगे आप, कांग्रेस यात्रा निकाले ना निकाले? देखिए भाजपा को भी चाहिए और कांग्रेस भी चाहिए, सपा भी चाहिए कि अगर ऐसी स्थितियां आ रही है देश के लिए तो अपना राजनीतिक कीजिए। राजनीति तो आपका पैसा, आप करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उसके साथ जो लोग हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों या किसी अन्य दल के हों, अगर कोरोना जैसी स्थिति आ रही है तो इस पे राहुल जी को भी हिदायत देनी चाहिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अच्छा। और सबसे पहले सरकार को इस पे एडवाइजरी जारी, गौरव जी आप बताइए 4-5 दिन हो रहा है, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे भी नाम लिया, कई देश प्रभावित हो रहे हैं, आज तक एडवाइजरी हमारी जारी नहीं हुई जी। फ्लाइटों पर, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर रोक नहीं लगाई गई जी। क्यों क्यों देरी आप कर रहे हैं? आप 14 दिन क्वारंटीन कीजिए जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जहां तक मुझे जानकारी है कोरोना बाहर से ही आया था, भारत में उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल। यहाँ अभी भी ईश्वर कृपा से आदमी की इम्यूनिटी बहुत है और अच्छी है, सरकार के आदेशों की जनता पालन करती है। लेकिन अगर यही देरी सरकार ने कहीं कर दिया तो भगवान राहुल गांधी यात्रा निकाले ना निकाले। देखिए राहुल जी के साथ साथ हर पार्टी को चाहिए। अच्छा। कि ये नहीं भाजपा के लेके हमारे नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे, राहुल जी ना करें। अच्छा। जनता सबके साथ, जनता जनार्दन है। अच्छा। जनता सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, चाहे राहुल जी के साथ हो और चाहे हमारे मोदी जी के साथ। आपका कहना है प्रधानमंत्री अगर रैली किए तो राहुल गांधी भी यहाँ पर रैली यात्रा कर सकते हैं? देखिए नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हमको पहले तो ध्यान देना चाहिए, हमारी सरकार है,
हमारी प्राथमिकता है कि हम सबसे ज्यादा कोरोना के रोकथाम के लिए आगे आए, और जब हम अपनी रैलियां बंद कर देंगे। सहेल भाई जी, मैं बार बार एक ही बार बोल रहा हूँ, आपके मुताबिक, आप बड़े पत्रकार हैं, आपके मुताबिक यहाँ पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस को आगे बढ़कर अपनी यात्रा पर रोक लगा के जनता को संदेश देना चाहिए कि हम जनता के लिए हैं, जनता के साथ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दूं, जब पश्चिम बंगाल में इसके चुनाव थे जी, जब स्थिति खराब थी, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव थे, स्थिति खराब हुई, और बंगाल में भी आपको बता दूं, जब वहां पर भी राहुल गांधी ने बड़ा मन दिखाते हुए जी, अपनी रैलियों को, सभाओं को रोक करने का जो उनकी तैयारी चल रही थी, लगातार चल रही थी, उस पर रोक लगा दी थी। अभिमन्यु भाई आपको याद होगा मेरे ख्याल से, राहुल गांधी पहल की थी, और उसके बाद तमाम दलों ने इस पे अनुसरण भी किया और कहा कि कम लोगों में सभा होगी, कम लोगों में रैली होगी। और मैं आपको बता दूं, उस समय भी वर्चुअल रैलियों को संबोधित किया जा रहा था, ऐसी जानकारी सबको है, और पश्चिम बंगाल में हुआ है। गौरव जी जी, मेरा मानना है कि राहुल जी को जी, जैसे हमारे संतोष भाई कह रहे थे कि इस समय जनता जनार्दन के सामने ये कह के कोरोना जैसी महामारी से हम लोग न हो जी, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं, इसलिए इस यात्रा को रोक दिया जाए जी, राहुल जी भी रोक दें और भी राजनीतिक दलों को भी आप सामने आना चाहिए कि इस माहौल को देख ले हम जी, कि हमारे देश की स्थिति कैसी होती है, क्योंकि न हम आर्थिक स्थिति मजबूत है जी, और न हम मेडिकल मजबूत है। तो ईश्वर कृपा रही, ऊपर वाले दया रही, भारत के लोग बच गए जी, हमारे पास क्या संसाधन बताइए आप, और क्या तैयारी हो रही है जी, बिल्कुल सीमित संसाधनों से हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारे प्रशासन ने जो काम किया वो अति सराहनीय है, साधुवाद में देता हूँ कि अटेंडम आया और इसके बावजूद कंट्रोल किया गया। संतोष भाई, आपको आवाज आ रही है? संतोष जी जी जी, राहुल गांधी जी को रोक देना चाहिए। संतोष जी, यहाँ पर आपने मीजम जरी की बात भी सुनी, अभिमन्यु त्यागी की बात भी सुनी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी ने अपनी बात कही। यहाँ पर अभिमन्यु भाई बोल रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के यहाँ पर केवल कोरोना को आड़ बना रहे हैं, आप अपनी रैलियां करते हैं, अपनी सभाएं करते हैं, मुख्यमंत्री भी, योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, और सब जगह सभाएं चलती रहती हैं। यही कुछ कहना मिशन जडी का भी है, उनका कहना है कि अगर वास्तव में कोरोना आ रहा है तो फिर सब लोग अपनी अपनी रैलियां को रोक लगाएं, और ये व्यवस्था राजनीतिक ना होकर सामाजिक होनी चाहिए। भाई अगर अगर हमारी जनता ही नहीं रहेगी तो फिर राजनीति किस काम की, कैसे कहें, क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, एक बात मैं बोलूं कि मैं अभिमन्यु जी के बात का जवाब मैं दूंगा तो फिर वही राज घूम फिर करके राजनीतिक जवाब हो जाएगा। जवाब तो राजनीतिक बात का जवाब नहीं दूंगा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति बाद में कर लेंगे, अभिनव भाई हम लोग सब लोग कर राजनीति कर लेंगे जी, देश बचाना है, देश के लोगों को बचाना है। अच्छा, अगर कोई घटनाक्रम देखिए, जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने हमारे बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने देखिए सरकारें रहती हैं तो उनको सबको सरकार, हमारे सरकार को हम अपने केंद्र, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो संसाधन हमको मिला, जो देश के कांग्रेसी हुकूमत या उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजनवादी या कांग्रेस के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो जितना हमको व्यवस्था दी, उस व्यवस्था में भी, जैसा कि हमारे समाजवादी भाई ने स्वीकार भी किया इस बात को कि जिस व्यवस्था को आपने दिया उस व्यवस्था में अगर हमने इतनी बड़े राज्य को अगर कंट्रोल करके और इतनी बड़ी वैश्विक महामारी का हमने सामना किया है और हमने अपने प्रदेश को सुरक्षित बचाया है, जैसा कि पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा भी है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को और जो उन्होंने काम किया, ये कहने वाली बात नहीं है। देखिए मैं राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यह सच्चाई है कि जितने कम संसाधनों में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने या देश की सरकार ने जो हमको विरासत में मिला है उसके बाद भी हमने मेडिकल पे काम किया है। क्या विरासत मिला था आपको? किया है हमने जिले में मेडिकल कॉलेज, आपको विरासत में क्या मिला था भाई? हम देखिए, हम फिर वही बात हो जाएगी गौरव जी, मैं नहीं चाहता हूं कि हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। हाँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सुनील जी ने, गौरव भाई जी, अगर आप कहिए तो मैं संतोष भाई के आगे बात का जवाब दे, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए भाई, सेकंड राउंड चल रहा है। देखिए संतोष जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत फायदा सराहा गया, ICMR ने इनको अवार्ड भी दिया योगी जी को, और तमाम दिनों में भी फोटो आए, बहुत से फोटो खींचे, बहुत से अवार्ड मिले और नंबर वन रहे योगी जी। मगर वो जो लाशें बह रही थी वो जापान से चाइना की ओर बह रही थी, ये जो लाशों को दफन किया जा रहा था रेत में, उनको कफन तक नहीं नसीब हो रहा था, वो भी देश के बाहर नहीं था, वो भी हमारे प्रदेश के अंदर ही था संतोष जी। अच्छा, आपने देखा जो मजदूर हमारे पैदल आ रहे थे, जो बाप बेटी को गाड़ी पर बिठा करके ला रही थी, उनके पैरों से छाले निकल रहे थे, वो भी हमारे प्रदेश के अंदर ही था संतोष जी। जिस तरह से एक बेटी अपने माँ को ऑक्सीजन मुंह से दे रही थी, वो भी हमारे प्रदेश के अंदर था संतोष जी। जो हमारे लोग बगैर ऑक्सीजन के रोड पर तड़प तड़प के मर रहे थे, वो भी हमारे प्रदेश के अंदर था ही संतोष जी।
तो ये भी तो आपको देखना चाहिए। आपने जितनी बातें कहा मैं कोई बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ, दिल कैसे जीतेंगे संतोष जी, हमें दिले जीतना है, हमें लोगों की जानों को बचाना है, ऊपर से हमें अवार्ड लेके क्या करना है। आज आज हम अवार्ड के सहारे कब तक जिएंगे, सड़क पर से हम अपनी झूठी प्रशंसा में, हम अपने स्वप्न में कब तक जिएंगे गौरव, इतने संसाधन हमें उससे ऊपर निकल के आना होगा। हमको विरासत में क्या मिला वो छोड़ना पड़ेगा, जितने संसाधन हमने क्या कमाया अपने दम पर, उत्तर प्रदेश की सरकार के संतोष भाई, संतोष भाई ये बताने का, संतोष भाई मीसम भाई कुछ बोलने की आवाज मत सुन लीजिए, बोलिए बोलिए मीसम भाई, बोलिए बोलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें आपको विरासत में मिली है उनको छोड़ करके आगे क्या क्या करना है उसको बताने का काम है संतोष भाई जनता को, हमें कैसे लोगों को ऑक्सीजन देना है, हमें किस तरह से अच्छा मेडिकल मेडिकल के क्षेत्र में, हमें किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, मीसम भाई अब मीसम भाई आप झूठी प्रशंसा क्यों बोल रहे हैं, मीसम भाई आप झूठी प्रशंसा क्यों बोल रहे हैं, झूठी प्रशंसा प्राप्त करना नहीं, हम कह रहे हैं हम, अच्छा एक बात बताइए, कल से मैं अपने नाम के आगे लिखने लगूं डॉक्टर मीसम जैदी, अच्छा लोग पुकारेंगे डॉक्टर मीसम जैदी, बट मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा या अगर किसी ने पूछ लिया कि आप डॉक्टर हैं तो आप मानेंगे, अच्छा अगर आपने प्रशंसा कर ली कि हम नंबर वन हैं, हम टॉप वन हैं, हमने कोरोना के टाइम पर हमको ये मैगजीन से अवार्ड मिला, हमको आईसीएमआर से अवार्ड मिला, हाँ। हमें यहाँ से अवार्ड मिला, मगर आप जनता जब पूछ लेगी कि मेरे माता मेरे पिता ऑक्सीजन के बगैर मर गए योगी जी, हाँ। तो आप क्या करेंगे, अच्छा वो मैगजीन किसको दिखाएंगे, अगर कोई ये पूछ लेगा कि मेरे परिवार के लोगों को बुरा मत नहीं मिला और उनकी लाशों को रेत में दफना दिया गया, वो जब मर जाएंगे ना ऐसा कुछ होगा ना, जो कुछ हुआ वो सर्टिफिकेट अखिलेशी को देंगे, अखिलेशी से कहेंगे अखिलेशी आपने कहा था ये मोदी वाला वैक्सीन है, मोदी मीसम भाई ये सब देखिए मीसम भाई संतोष भाई कुछ जवाब दे रहे हैं आपको, संतोष भाई कह रहा है कि हम सर्टिफिकेट देंगे और अखिलेश जी को दे देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को दे देंगे ले जाके, अच्छा पहुंचा देंगे उनको, बोलेंगे कि आपने कहा था कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ये मोदी की वैक्सीन है, अच्छा बीजेपी वालों की वैक्सीन है, अच्छा ठीक है, ये सब बातें, ये सब बातें में नहीं जाना चाहता, भरोसे योग्यता पर आपकी नियत पर सवाल उठाया था, अच्छा। वैक्सीन पे नहीं उठाया था, अच्छा आपकी योग्यता, देखिए आप अगर हमारी आप हमारी नियत पे सवाल उठा रहे हैं तो यकीन मानिएगा मीसा भाई, देश के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार समर्पित है, समर्पित रहेगी और पूरे तन मन से हम लोग लग करके, एक एक व्यक्ति लग करके, चाहे वो नेता हो कार्यकर्ता हो पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हो या इस देश का इस प्रदेश का नागरिक हो, अच्छा हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अगर ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति पैदा होती है तो पिछले कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया और देश ने देखा है और फिर आगे भी देखेगा कि हम लोग देश के साथ और देश की परिस्थितियों के साथ हमेशा सदैव पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है, कहीं आप ईमानदारी पर, अच्छा संतोष भाई आप ये बताइए कि देश की 125 करोड़ की आबादी है, गौरव भाई जी 125 करोड़ अरे 140 करोड़ की आबादी, जी जी हम कह रहे हैं 150 करोड़ की आबादी जी हमारे देश जी, तो ये बताइए कि कोरोना क्या राहुल गांधी कोई लेके चलेगा, वहीं तो साथ में आएगा लेके इंटर करेगा, अच्छा राहुल गांधी पिछली बार तो मान लिया था एक बार जमातियों के अंडर इंटर कर गया था, जमाती जिम्मेदार पूरे देश में जो लोग मर गए जमाती थे पहली बार जी, अब की राहुल हो जाएंगे जिम्मेदार, जिम्मेदार कब बनेंगे, अच्छा बिल्कुल सही बात, हम कब कोरोना के ऊपर रोकथाम करना शुरू करेंगे, हम कब देश के अंदर जो लोग आ रहे हैं फ्लाइट से आवागमन चल रहा है भीड़, अभी हमारे पत्रकार महोदय सुनील भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही जी, कि किसी को अभी कुछ कोरोना के बारे में पता ही नहीं है और चैनल पर ऐसे हो हल्ला हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि बस भारत के अंदर कोरोना से लाशें पड़ गई है जी, अरे जहां जनसंख्या विस्फोट चल रहा है मॉलों में रोड पर सड़क पर स्कूलों में, वहां को तो आप देखो वो भी तो अपने ही लोग हैं जी, है राहुल गांधी तो भीड़ लिए चल रहे हैं, वो तो ठीक है चल रहे हैं, अच्छा। तो अब चलो जो होगा उनके साथ हो जाएगा, वो मर जाए कांग्रेसी सारे मर जाए हमारे ठेंगे से, हम लोग तो बच जाए, ऐसा कोई संतोष जी उपाय करें, अच्छा। हम लोग बच जाए, उधर राहुल गांधी नहीं पड़ जाए, अच्छा है उनको करने दीजिए, ये कौन सी बात है, हम लोग को तो बचाओ संतोष भाई, ये कौन सी बात है, क्यों राहुल गांधी ये कैसी बात बोल रहे हैं भाई, अरे हम तो साफ बात कह रहे हैं, आपको सच बता रहा हूँ, ये बात कोट कर लीजिएगा, यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हैं, मेरी बात को अन्यथा ना ले, बात पर गौर करें जी,
कि लड़ाओ चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर, चाहे राम रहीम के नाम पर, मगर कोरोना ने नाम पता सबका पूछ लिया। अच्छा, सब राइट हो गए थे। अच्छा, हिंदू भैया राधे राधे और मुसलमान भैया अल्लाह अल्लाह करते नजर आ रहे थे मंदिर मस्जिद में। जी, आप यकीन जानिए वो दिन वो रात और वो वक्त खोज करके उस मात्र नाम से जो है वो समझ लीजिए कि सिहर उठती है आत्मा। जी बिल्कुल, इतना भयावह दृश्य हमने देखा है। जी, और यकीन जानिए लगता था किसी ख्वाब में जी रहे हैं। जी, किसी 3D मूवी में जी रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी एविएशन में जी रहे हैं। जी, और भाई मजाक अभी जो राजनीति हो रही है सब घुस गई थी। जी बिल्कुल सही बात है, किसी के मुंह से राजनीति नहीं निकल रही थी। जी, पहली बार तो सबके मुंह से निकला था कि वो साध ने फैला दिया, मदरसे वालों ने फैला दिया, राजनीति करी थी। जी, मगर दोबारा में किसी की आवाज नहीं निकली कि कहां से आ गई ये बला। जी, ना मंदिर खुले, ना मस्जिद खुले, ना कोई कपाट खुला, ना कोई दरगाह खुली। जी, ऊपर वाले ने जो लाठी चलाई तो एक लाइन से, जी है ना, हरिद्वार से लेकर के और सऊदी अरब तक, जी सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है। जी, इसी को ही ईश्वर कहते हैं, दरअसल यही गॉड है। जी, बस इसको ध्यान में रख के राजनीति को बढ़ाया जाए। जी, और अगर कोरोना है गौरव भाई, जी, और जिस पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, जी, तो हमें अपनी जानों पर तो नहीं है, हम अपने परिवार के लिए मरते हैं। जी, तो यकीन जानिएगा कि ऊपर वाले से क्षमा याचना करना चाहिए और किसी पे कटाक्ष न करिए। आप अपने कार्यों पर लगिए और देखिए कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, जी, तो हम फिर अवार्ड न लें। अब हम किसी मैगजीन में फोटो न छपवाएं। जी, अब हम कहीं जा करके किसी से उपहार न लें। जी, हम इस पर ध्यान दें कि अब की लोग रेतों में दफन न हो। जी, अब की शमशान में लकड़ी न कम पड़े। जी, और कब्रिस्तान में भी लकड़ी कम ना पड़े, क्योंकि लकड़ी दोनों जगह इस्तेमाल होती है गौरव भाई। जी बिल्कुल, शमशान में जलाने के लिए और कब्रिस्तान में पाटने के लिए ऊपर से लगती है। बिल्कुल लगती है, कहीं किसी मुस्लिम में जाइएगा देखिएगा तो लकड़ी कम ना पड़े, ना मुसलमान को ना हिंदू को। जी ठीक है, अभी भाई बहुत देर कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, अभी हमने हमारे जो भाजपा के साथी हैं हमारे, जी संतोष जी, जी उन्होंने बहुत बातें कही, उसमें एक बात ये कह रहे थे कि बहुत जिम्मेदारी से इन लोगों ने काम किया। अच्छा, कोरोना काल के दौरान। अच्छा, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के दौरान जिन लोगों की लाइन में लगकर मौतें हुई, उनको जो मुआवजा देने की बात आई, तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, इसके बाद लॉकडाउन आया तो सबने देखा किस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ, नंगे पैर मजदूर जा रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए वाहनों का इंतजाम करा, बसों का इंतजाम करा, तो इन लोगों ने वहां लाठी चार्ज किया। अच्छा, उन मजदूरों पर लाठी चार्ज किया जिनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, उनकी साइकिलें तक रह गई। अभी पिछले दिनों सहारनपुर में वो जो साइकिलें रह गई थी, जी, वो कबाड़ में बेची गई है सरकार द्वारा। अच्छा, तो लोग उस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मौतें हुई, उस मौतों पे मुआवजा देने से भी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, किसान आंदोलन में जो किसानों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, उसमें जिनकी मौतें हुई किसानों की, जी, जो शहीद हुए किसान, जी, उनको मुआवजा देने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। जी, इसी तरह पिछले दिनों बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट गए जिसमें वैक्सीन के जो रिएक्शन से मौतें हुई, अच्छा, उसको मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि मुआवजा दिया जाए, तो केंद्र सरकार ने रिटिन में लिखकर पल्ला झाड़ा कि हमारा कोई मतलब नहीं है वैक्सीन से, थर्ड पार्टी द्वारा बनाई गई है। अच्छा, जब सरकार हर चीज से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया लगातार, हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थी, लोग हाल पे पैसा लेकर घूम रहे थे, इलाज नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, पत्नी अपने पति को मुंह से सांस देकर जिंदा रहने का प्रयास कर रही थी, ऐसा भी लोगों ने फोटो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा। तो गंगा में बहती लाशें देखी, शमशान घाट और कब्रिस्तान भरे हुए देखे, फुल बोर्ड लगे देखे, ताले लगे देखे कि अब और कोई लाइन नहीं लगेगी, तो और एम्बुलेंस का किराया देखा जो 500,000 का होता हुआ 20,000-25,000-50,000 लिया गया। जी, सरकार ने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई, किस तरह से इन्होंने कोविड काल जो आया था, जी,
इन्होंने कैसे उसे फेस करा, सरकार ने उसमें क्या जनता की मदद करी, अरे जनता तो खुद लड़ रही थी, शर्म आनी चाहिए, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ऐसी बात के लिए जो जनता ने खुद ने लड़ाई लड़ी है। आज आपके पास कोई मॉडल नहीं है, कभी ताली बजवाते हो कभी थाली बजवाते हो, आपने पैनिक करके पूरे देश में इतना डर का माहौल कर दिया कि हार्ट अटैक तक से मौतें हो गई जी। एक तरफ मेडिकल साइंस कह रही है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उससे डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप डरा रहे हैं। अगर फिर से डर का माहौल हो गया देश में तो क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्यों इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी आप लोग कब मानेंगे? गंदी राजनीति, हमारा निवेदन ये है गौरव भाई, स्वस्थ राजनीति कीजिए, स्वस्थ राजनीति कीजिए, कोविड ही नहीं सारे भी जो नियम कायदे हैं उसको मानने वाले लोग गौरव भाई, देश की जनता सब नियम कायदे को मानती है, उनको जरा ये कहिए कि अपने नेता को बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि मेरे भाइयों खूब मौज मस्ती करो, सड़क पे आंदोलन करो, रास्ते निकालो, भारत जोड़ो, देश जोड़ो, सब यात्रा निकाल दो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए आगे। अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी डरा रही है लोगों को, इनके नेता सक्षम है, इनके भारत जोड़ो यात्रा इतना लोकप्रिय हो गया है, इतनी भीड़ आ रही, इतनी आवाम आकर के सामने बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाइयों डरिए मत, आप लोग बेझड़क, आप लोग कोरोना का कोई पालन मत करिए, कोई कोरोना और होना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भाई भी क्या आवाज बढ़ाई जाए चाहिए जी। अभिनव भाई आप एडवाइजरी जारी कराइए, आपको क्या डर है, राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? अच्छा राजनीति जब कोरोना हाई नहीं है तो एडवाइजरी जारी करने की क्या जरूरत है भाई आपको? देश का हर दल विपक्ष जब कोरोना मान ही नहीं रहे हैं आप, उसका डर है ही नहीं है, मेडिकल साइंस बोर्ड में कोरोना कुछ है ही नहीं है, सब आप ही बोले तो एडवाइजरी किस चीज की एडवाइजरी जारी करे भाई? आप एडवाइजरी जारी करा दीजिए कृपया करके जी, राजनीति ना कीजिए, हमारे सिर्फ यही यही आपसे अनुरोध है, लोगों के मन में डर ना बैठे, कृपया करके आप समझिए गंभीरता को। जारी हुई है तो प्रेस में जारी हुई है, पुलिस जवानों को बोला गया है कि आप लोग सारी एडवाइस, अरे गौरव जी ये लोग बिना पढ़े लिखे बिना जाने आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा भारत सरकार ने प्रॉपर तरीके से एडवाइजरी जारी की है, एयरपोर्ट से लेकर के बस स्टैंड से लेकर के भीड़ भाड़ के इलाकों से सब जगह एडवाइजरी जारी, और धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बार बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं है, आप बताइए कोरोना का मतलब कुछ है ही नहीं है, क्वारंटाइन किया जा रहा है क्या, क्वारंटाइन किया जा रहा है क्या, जो बाहर से आ रहा है उसे 14 दिन के लिए पिछली बार की तरह क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन होने की नौबत आएगी तो चिंता मत करिए, वैक्सीन लगाई जा चुकी है 80-90% सरकार के पास आंकड़ा है जी, अब क्या दिक्कत है? अरे भाई क्वारंटीन करेंगे क्यों चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल क्वारंटीन करेंगे, समय आने चाहिए, और सबसे पहले कांग्रेसी लोग सड़क पे घूम रहे हैं उन्हीं को क्वारंटीन करेंगे, बताइए मत। अच्छा सर पे कांग्रेसी क्वारंटीन करेंगे आप? हाँ उनको जरूरी है, अच्छा उनको बताना जरूरी है कि सबसे ज्यादा डर और भय जो है इनको लगने वाला तो है नहीं, कोरोना का मतलब इनके लिए जीरो है। अच्छा तो ये कहीं खुल्ला खुल्ला घूमेंगे तो इनको क्वारंटीन करके सबसे जरूरी है, हमको कोरोना से डर है, हमको मालूम है कि कोरोना क्या है, इनको ही क्वारंटीन पहले किया जाएगा, हमें आपको पहले क्वारंटीन किया जाएगा भाई, अभिनव भाई अच्छी बात है ये क्वारंटाइन हमें कर दे जी, इनकी लाठी है, इनका डंडा है, तानाशाही है, अच्छा ये कहते हैं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है इनसे, हाँ। कि देखो तानाशाही अहंकार किसी का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला था, आप ऐसा काम मत कीजिए, एक रावण है क्या, सत्तर 70 साल देश चलाए, इमरजेंसी लगाया, देश का बंटवारा किया, तानाशाही हम हो गए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं भाई मंजू जी, बहुत अच्छी जानकारी आपको तो, अच्छा पूरा देश बांट दिया, पूरे देश के विभाजन कर दिए, पूरे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं, टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस का प्रवक्ता बना करके बैठे हैं, जो देश को ही तोड़ रहा है, जेल में जाके कैसे कैसे नारा लगाने वालों को साथ दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और हमको ही आरोप लगवा रहा है भाई, क्या बात है बाहर कांग्रेस के भाई, राजनीति करते रहेंगे आप, अरे पुलिस आपकी जांच जल्दी कर रही है आपके, आप क्यों भी चार्जशीट लगा देते, अच्छा कहीं आपके आरोपों में दम ही नहीं है, कब तक राजनीति करेंगे विभाजन के नाम पर, इसीलिए तो भारत जोड़ो भैया, हमको आरोप और सफाई कांग्रेस के लोगों को देने की जरूरत नहीं है, हमको अपने जनता के ऊपर विश्वास है, हमारी सरकार के ऊपर विश्वास है, और पूरे ईमानदारी के साथ देश की जनता के साथ हम खड़े हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति मत मजहब नहीं है, हम सबके लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, हमको कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, अच्छी बात है आप जारी कर दीजिए भाई, भैया हम कहां से जारी अलग से करें, गौरव भाई आपके चैनल पे एडवाइजरी जारी हो गई है, आप स्वयं उनको बता दीजिए हमारे पास अलग से कुछ जारी करने के लिए एडवाइजरी नहीं है, भैया एडवाइजरी जारी हो तो गई, उत्तर प्रदेश में भी हो गई है भाई, उत्तर प्रदेश कहां गया है, कैसे बोला जाए, तो हम भी पालन कर रहे हैं, जो असली एडवाइजरी है
ये तो मास्क पहनो, ये तो सब लोगों को पता है, सैनिटाइजर रखो जी। लेकिन आपको कहना है क्वारंटाइन करना जरूरी है, आइसोलेशन जरूरी है, क्वारंटाइन करना जरूरी है। तो बताइए ना क्या बताइए, हम लोग क्वारंटाइन हो जा रहे हैं अब राहुल गांधी को क्वारंटाइन करने से क्या दिक्कत है भाई, कमी है जी। आप बताइए कितनी भर्ती कर ली है इन्होंने, कितने डॉक्टर की जो वैकेंसी खाली पड़ी, जबरदस्ती भर्ती कर दी है, भर्ती हो गई है। अच्छा, जो एम्स जिनके ये कहते हैं एम्स हमने चालू कर दिया, हां इलाज ठीक है, ठीक है। मिसम भाई को ले लो, मिसम भाई कुछ कहना चाहते हैं, मिसम भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई। देखिए ऐसा है कि अभी आज जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देने से कोरोना की समाप्ति नहीं होगी, और इसके ऊपर प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। और रही बात कि आपने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, कौन तानाशाह है, क्या इससे मतलब नहीं है। बेसिक चीज ये है कि हमको जो जनता से किए गए वादे हैं उनको पूरा करिए, जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है जी। अगर आप वाकई उस पर काम कर रहे हैं तो ये आप जाने, ईश्वर जाने, क्योंकि आपने संविधान पे सौगंध खाई है। अच्छा, कि हम जनता के प्रति समर्पित रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, देश प्रदेश के लोगों की रक्षा करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई इनाम लेने का मामला नहीं है। अच्छा, जो आपने ये मैं मेरी चर्चा जो राजनीति हो गई वो ये हो गई कि जो आपने कहा कि हमको नंबर एक का दर्जा मिला और हमारे सराहना हुई और मेरे नाम छपे और मैगजीनों में साफ वाह 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 हुई, तो मैं उसके ऊपर बोल रहा था। अच्छा, कि ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर किसी को आप कहीं जान बचाने की सोच भी रहे तो ये तो आपने सौगंध खाई है, आप बैठे ही, इसलिए आपका ही काम ही है जी। सही बात है, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी है, पब्लिक आपको करना पड़ेगा, और अगर आप करने में फेल होंगे तो उस पर भी कहा जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा राजा या अच्छा अफसर या अच्छी अच्छी मानसिकता के जो अच्छे और बड़े लोग होते हैं, जिनको ईश्वर कुछ ना कुछ उपलब्धि या कुछ ना कुछ उनको उपाधि संसार में देता है, तो उनका ये कर्तव्य है और उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आपने कोरोना के लिए कहीं कुछ जनता के लिए किया है तो ठीक है, और अगर कहीं पर लाश बह रही है और कहीं पर रेत में लाश दफन हो रही है और कहीं पर ऑक्सीजन के मारे त्राही माम मचा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। आप कहिए कि जी हाँ हुआ, अब नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल उसी नारे के साथ जी। गौरव भाई जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, ना मरूंगा ना मरने दूंगा। क्या बात है, ये नारा लगना चाहिए। बहुत सही बात है, ठीक है। कोरोना को जी, कोरोना से लड़ूंगा, लड़ाऊंगा जी, मगर कोरोना को हथियार बनाकर लोगों को नहीं लड़ाऊंगा। अच्छा, कोरोना को खत्म करने के लिए हथियार बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सुनील जी जी, फाइनल कमेंट दीजिए भाई। देखिए गौरव जी जी, कोरोना पे राजनीति करना जी ये उचित नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे कांग्रेस भाई अभिमन्यु त्यागी जी कह रहे थे जी कि कोरोना नहीं है। अच्छा, तो अगर आप एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं और आप जनता को संदेश देंगे कि कोरोना नहीं है। अच्छा, हमने कब का कोरोना नहीं है, आपने कहा तो पालन करते हैं। नहीं अभिमन्यु जी, अभी आपने कहा कि कोरोना नहीं है जी, डरवा रहे हैं लोग। हमने कब कहा, हमने कहा कोरोना, हमने तो कहा ही नहीं है, क्योंकि यमुना जी अगर नहीं कहा तो हो सकता है हमारा सामने नहीं है, डरवा रहे हैं साहब। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की, डराइए मत, हमको मूर्ख है क्या। नहीं नहीं बताइए, नहीं अगर आपने नहीं कहा हो सकता हमने वैक्सीन लगा रखी है। नहीं, इनका कहना ये है कि अगर कोरोना है तो क्वारंटाइन करिए, एडवाइज जारी करिए, आप कोरोना के नाम पे कांग्रेस क्यों रोक रहे हैं, इनका कहना ये है। गौरव जी जी, ना यहाँ कांग्रेस रुकना चाहिए, ना सब भाजपा रुकना चाहिए, ये देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। और रही इसकी बात, तो सरकार की सराहना भी करना चाहिए कि हम छोटे संसाधनों में खुद को बचाए और विदेशों को भी बचाया हमने जी, बिल्कुल। तो अगर सरकार की निंदा के साथ साथ उसको सराहना भी करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों को बचाया, प्लस अपने पड़ोसी मुल्कों को बचाया, जबकि हमारे पास कितने संसाधन, बताइए, जिन देशों को दवाइयां हमने आपूर्ति की, सप्लाई की, उनसे अगर देखा है तो आर्थिक स्थिति में हम कहां खड़े हैं। लेकिन ये ईश्वर की देन थी कि हमने अपने जनता को बचाया और पड़ोसी देशों की जनता को बचाया, ठीक जी। लेकिन अब जो ये स्थिति आ रही है, इस पर राजनीति न करके आप सीधे कहिए कि दवाई जारी कीजिए, लोगों को सलाह दीजिए कि अब मास्क जरूरी, दो गज दूरी जरूरी है, और अगर इसका पालन नहीं होगा तो जो गैदरिंग हो रही है गौरव जी, ये बहुत घातक होगी, क्योंकि पिछली बार संसाधनों में जो लापरवाही हुई है वो तो खैर देखा गया, लेकिन जितने कम सीमित साधनों से हम लोग कितना लड़ाई लड़े हैं ये भी देखा गया है। और रही लाशों की बात, तो लाश दफनाने वाले घर के ही लोग थे, बाहर लोग नहीं थे, वहां गंगा फेंकने गए हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतना लोग भयभीत थे कि न बेटा बाप मुंह दे पा रहा था, न बीवी पत्नी देख पा रही थी, लाशों को क्रेनों से उठा उठा डाला गया,
ईश्वर न करे ऐसी महामारी दोबारा हमारे देश में आए। मैं तो दो लाइनें गौरव जी कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागिनः। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे मिशन जदी जी कह रहे हैं सही है कि एक ही झटके कोरोना दिखा दिया कि अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, यीशु क्या है, और उस झटके के बावजूद अगर इंसान नहीं जाग रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं धरती पे। ठीक ठीक जी, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि कोरोना की जो नया वेरिएंट है वो लगातार हाहाकार मचा रहा है विदेश में, और भारत में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, 3 से 4 मरीज इसके आ चुके हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा का पड़ाव अब उत्तर प्रदेश में आने वाला है, और पड़ाव के बीच राजनीति चर्चाएं लगातार गर्म हैं। यहाँ पर कांग्रेस का आरोप कि भाजपा कोरोना को आड़ बनाकर उनकी यात्रा को यहाँ पर बाधित कर रही है, और शायद भाजपा कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। अब भाजपा घबराई है या कांग्रेस यात्रा में करने में मजबूत है या कोई राजनीतिक यहाँ पर समीकरण बन रहा है, वो तो भविष्य के घर में निहित है और शायद जनता ही जानती है। पर जनता जानेगी कब, तो जनता जिंदा रहेगी। अगर कोरोना अन्य विदेशों में अन्य जगहों पर ताहिमाम बचा रहा है, हाहाकार मचा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी इसकी स्थिति बन सकती है। तो अगर बचना है तो यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी होगी। देश जरूरी है, जनता जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, राजनीति जरूरी है, पर कहीं ना कहीं मानवता भी जरूरी है। जब मानव रहेगा, जब जनता रहेगी, तभी राजनीति होगी। लाशों पर राजनीति कभी नहीं होती है। अगर वास्तव में चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़ता रहे और लोग बचे रहें, तो राजनीति करिए, पर साथ ही साथ इंसानियत को भी जिंदा रखिए। अगर इंसानियत ही नहीं होगी तो राजनीति कहाँ करेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।